इस समय दुनिया के ऑटो सेक्टर में भारत के जो वाहन बनाने वाली कंपनियां हैं उनका दबदबा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 6 महीने पहले एक खबर आई थी जिसमें यह बताया गया था कि अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी देश हैं उन सभी देशों में बजाज और TVS इन दो भारतीय कंपनियों ने पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया है, जबकि इसी मार्केट पर कुछ साल पहले चाइनीज कंपनियों का दबदबा था। बात अगर हम अपने देश की करें तो हमारे देश में फोर व्हीलर बनाने वाली दो कंपनियों का नाम सबसे ऊपर है, एक है टाटा, दूसरा महिंद्रा। भारत की ये दोनों कंपनीज कम प्राइस रेंज में ऐसी ऐसी कारें लॉन्च कर रही हैं जिनके सामने विदेशों की लग्जरी कार भी फेल है। और यही कारण है कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल बिल गेट्स खुद को भारत में महिंद्रा कंपनी के द्वारा बनाए गए ई रिक्शा को चलाने से रोक नहीं पाए। इस ई रिक्शा को चलाने के बाद उन्होंने जो रिव्यू इंस्टाग्राम पर शेयर किया है अब वो दुनिया में धूम मचा रहा है। दरअसल बिल गेट्स ने कहा कि आनंद महिंद्रा का ई रिक्शा चलाने के बाद आज मैं खुद को बहुत प्रभावित महसूस कर रहा हूँ, न केवल ई रिक्शा बल्कि उन्होंने पूरी महिंद्रा कंपनी की तारीफ की। उनका कहना था कि महिंद्रा अपने सेक्टर में जिस तरीके से काम कर रहा है वह वाकई में काबिले तारीफ है। बिल गेट्स की इतना तारीफ के बाद महिंद्रा कंपनी को फायदा होगा यह तो फिक्स है, लेकिन वह फायदा कहीं ना कहीं भारत के फायदे से भी जुड़ा है। दरअसल बिल गेट्स एक ऐसे शख्स हैं जिनको भारत नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग जानते हैं। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं होगा जो शायद बिल गेट्स को न जानता हो। अब महिंद्रा को दूसरे देशों में अपने वाहनों को बेचना यह थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि इस समय कार्बन उत्सर्जन को 0 लेवल तक ले जाने के लिए दुनिया लगातार काम कर रही है। कार्बन उत्सर्जन की वजह से हमारे पृथ्वी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। वैज्ञानिक हर दिन कोई न कोई नई चेतावनी जारी करते रहते हैं, लेकिन कार्बन उत्सर्जन को रोकने का जो सबसे सटीक और सबसे प्रभावी तरीका है वह है डीजल और पेट्रोल गाड़ियों पर रोक। लेकिन समस्या यह है कि अगर इन पर रोक लगा दिया जाए तो दुनिया की अर्थव्यवस्था भी रुक जाएगी, और अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए दुनिया में गाड़ियों का चलना बहुत जरूरी है। इस समस्या से निपटने के लिए दुनिया पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को छोड़कर अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड हो रही है। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी सबसे बड़ी समस्या उनकी बैटरी को लेकर है, क्योंकि इनकी बैटरी को बनाने में लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि लिथियम दुनिया में बहुत कम देशों के पास मौजूद है। इसमें भारत के लिए खुशी बात तो यह है कि भारत को जम्मू कश्मीर में एक लिथियम का खजाना मिला है, और यह भंडार इतना बड़ा है कि भारत आने वाले कई दशकों तक अपनी और दुनिया की जरूरतों को पूरा कर सकता है। और अब इस वजह से भारत में जितनी भी इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियां हैं वह अपने गाड़ियों को तो बना ही सकती हैं, और उन्हें बनाने के साथ विदेशों में बड़े आसानी से और कम दामों पर बेच भी सकती हैं। हो सकता है कि बिल गेट्स से ई रिक्शा चलवाना और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करवाना यह महिंद्रा के एक एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा रहा हो, क्योंकि आनंद महिंद्रा और बिल गेट्स ये दोनों ही शख्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़े हैं, यानी कि स्टूडेंट लाइफ में ये एक दूसरे के क्लासमेट थे। और मजे की बात तो यह है कि ये दोनों ही अपने अपने सेक्टर में आज सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच गए हैं। खैर बात चाहे जो भी हो, लेकिन दुनिया के इतने अमीर शख्स का इस तरह भारत में आकर ई रिक्शा चलाना और उन्हें अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना यह कहीं न कहीं दुनिया में ऑटो इंडस्ट्री को एक नया पॉजिटिव संकेत दे रहा है। और यह बात भी कंफर्म है कि आने वाले समय में भारत में बनी हुई गाड़ियां पूरी दुनिया में धूम मचाने को तैयार है, क्योंकि जिस लिथियम की हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी वह हमें मिल चुका है। खैर दोस्तों, आपके पास किस कंपनी का कार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।